बोले बागेश्वर धाम सरकार की, परम पूज्य हृदय भगवान सन्यासी बाबा की जय जय श्री राम। गेट नोएडा की पावन धरा में आज से 7 दिन तक श्रीमद् भागवत महापुराण हम आप सभी श्रवण करेंगे और आज कथा का प्रथम दिवस है और आज कथा की प्रथम पावन मंगल आरती के लिए हम आप सभी चलेंगे। तो सर्वप्रथम हम आमंत्रित करते हैं मुख्य आयोजक समिति, मुख्य यजमान परिवार, मुख्य यजमान मुख्य आयोजक समिति श्री शैलेन शर्मा जी, मुख्य यजमान श्री बाकेलाल शर्मा एवं माता जी उषा शर्मा जी, मुख्य यजमान पवन त्यागी जी, आयोजक मंडल मुकुल त्यागी जी, आयोजक मंडल अभय त्यागी जी, आयोजक मंडल गिरीश गोयल जी, आयोजक मंडल अध्यक्ष समिति के अमृत कल्याण सेवा ट्रस्ट के नरेश ठाकुर जी, मनोज गर्ग जी, जितेंद्र भाटी जी, सुनील भाटी जी एवं मुख्य यजमान और सह यजमान आप सभी से आग्रह है पावन आरती में आप सभी पधारें। और हमारे बीच संत भगवान भी विराजमान हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए पावन मंच पर हमारे बीच भगवान संत भगवान विराजमान हैं, तो उनसे आग्रह करेंगे पावन आरती में वो भी आए और आप सभी भी यहाँ दूसरे वाले मंच पे आ जाए, थोड़ा आगे आ जाए, यहाँ से आप सभी आरती करेंगे और आइए चलते हैं सर्वप्रथम मंगल आरती की ओर। जय श्री राम। ओम ज्वालामालन्नै नमः रत्नेश्वरे नमः सर्वोपचारार्थे गंधकचतुष्पाणि समर्पयामि हरिः ओम। चंद्रमा मनसो जातचसोः सूर्यो अजायता स्रोतः द्वायसो प्राणस्य मुखादग्निरजायतो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों Thank you.
घनश्याम यही श्री राम घनश्याम यही प्रभु के महिमा की आरती बाकियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती बाकियों को पाप से है तारती करपूरी गौरम करुणावतार संसार सारम भुज प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्री रुद्र प्रचोदयात् हरि ओम नंदनंदना विद्महे यशोदा नंदना धीमहि तन्नो श्री कृष्णा प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलर्मया दत्तो ग्रहणा परमेश्वरः श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः मंत पुष्पांजलम समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण की जय। व्यास भगवान की, सुखदोजी महाराज की, पूजपाद गुरुदेव भगवान की, सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सीताराम, आप सभी से आग्रह है, यजमान से भी, अतिथि से, कि भी आप सभी नीचे से प्रणाम करेंगे और पूज्य गुरुदेव भगवान को स्पर्श ना करें। सभी से बिना आग्रह है कि नीचे से ही आप सभी प्रणाम करें और आप सभी सभी भक्तों से बिना आग्रह है कि आप सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। ग्रेटर नोएडा की पावन धरा में पधारे सभी बांके बिहारी लाल के धर्म प्रेमी आस्थावान कथा रसिक एवं संस्कार चैनल के माध्यम से देख रहे, बागेश्वर धाम चैनल के माध्यम से देख रहे आप सभी भक्तों का बागेश्वर धाम परिवार की ओर से स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं एवं मुख्य यजमान मुख्य आयोजक श्री शैलेंद्र शर्मा जी एवं उनकी पूरी टीम अमृत कल्याण ट्रस्ट सेवा समिति के ट्रस्ट के अध्यक्ष पूरी समिति पवन त्यागी जी, मुकुल त्यागी जी, अभय त्यागी जी, गिरीश गोयल जी, नरेश ठाकुर जी, मनोज गर्ग जी, जीतन भाटी जी, सुनील भाटी जी सभी के सहयोग से आज से 7 दिन तक हम आप सभी श्रीमद् भागवत महापुराण कथा स्मरण करेंगे। एक बार आयोजक समिति का भी हम तालियों से स्वागत करते हैं जिनके संकल्प से ही और जिनकी मेहनत से आज पूज्य गुरुदेव भगवान के चरण शरण में बैठकर हम आप सभी कथा स्मरण कर रहे हैं और ये अभी तक की सबसे बड़ी एक कथा होने जा रही है क्योंकि पहली बार अभी तक कहीं भी 3 लाख स्क्वायर फीट का पंडाल नहीं लगा है 300,000 का, तो एक रिकॉर्ड भी विश्व रिकॉर्ड भी बन गया है। और कल का भी जो कलश यात्रा हुई मातृ शक्ति का अद्भुत सहयोग मिला, करीब 1 लाख माता बहनें कलश यात्रा में थी और सब मिला के 1.5 से 2 लाख भक्त कल कलश यात्रा में पहुंचे, तो एक बार मातृ शक्ति का भी हम तालियों से स्वागत करते हैं। आप सभी से विनम्र आग्रह है कि आप सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं और 7 दिन तक हम आप सभी श्रीमद् भागवत महापुराण पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से स्मरण करेंगे। और हम सबका परम सौभाग्य है कि पूज्य गुरुदेव भगवान ग्रेटर नोएडा की पावन धरा में पधारे हैं और 7 दिन तक हम आप सभी पूज्य गुरुदेव भगवान के दर्शन करेंगे और कथा श्रवण करेंगे। 12 तारीख को परसों दिव्य दरबार भी होगा सुबह 10 बजे से यही कथा पंडाल में। दिव्य दरबार में भी सभी आप मानव जीवन की दैहिक दैविक भौतिक कष्टों के लिए दिव्य दरबार में पधारे। वो कहते हैं कि सन
कि हाँ हम जाते हैं तो हमारा सौभाग्य होता है और संत स्वयं चलकर हमारे यहाँ आते हैं तो हमारा परम सौभाग्य होता है। तो हम सबका परम सौभाग्य है, सभी लोग विराजमान हो जाए, सभी से विनम्र आग्रह है। कलयुग के राजा श्री हनुमान जी महाराज हैं और कलयुग में बस सब कुछ संभव है, जिसे असंभव मानकर व्यक्ति निराश हो जाता है। बागेश्वर बालाजी सरकार का दिव्य तीर्थ स्थल इस बात का प्रमाण है कि देश विदेश से लाखों भक्त बागेश्वर धाम रोते हुए आते हैं और सभी की झोली भर कर जाती है। रहस्यों से भरी है बागेश्वर धाम की पवित्र पावन धरा। 300 वर्ष पूर्व एक महान साधु हुए सन्यासी बाबा की कर्म भूमि है बागेश्वर धाम। यह वह बागेश्वर धाम है जहां पर विराजमान है बागेश्वर महादेव और जहां पर सभी कष्टों को हरने वाले, सभी भक्तों के कष्टों को हरने वाले विराजमान है स्वयं भी बागेश्वर बालाजी सरकार। सिद्ध संतों की तपोभूमि है बागेश्वर धाम। यह वह बागेश्वर धाम है जिसकी कीर्ति देश ही नहीं अपितु विदेशों में भी पूरे विश्व में फैली हुई है। 300 वर्ष पूर्व संतों की तपस्या से एक महान साधु हुए और जिनके आशीर्वाद से पूज्य भगवान पिछले 12 वर्षों से दिव्य दरबार लगा रहे हैं और जिनकी कृपा हम आप सब पर निरंतर बनी हुई है। ऐसे ही लगातार पूज्य भगवान और बागेश्वर धाम परिवार ऐसे मानव सेवा संकल्प चला रहे हैं जो आप सभी के सहयोग से निरंतर अनवरत चल रहे हैं। आइए चलते हैं आज की प्रथम दिवस की श्रीमद भागवत महापुराण में प्रवेश करते हुए पूज्य भगवान के मुखारविंद से हम आप सभी कथा श्रवण करेंगे। बड़े भाव से सभी जयकारा लगाएंगे। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की, गौ माता की, अन्नपूर्णा माई की, भारत हिंदू राष्ट्र की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी से पुनः आग्रह है कि किसी को भी खड़े नहीं होना है। मंच के आसपास जो खड़े हैं हमारे अतिथि और जो सेवादार, सभी विराजमान हो जाएं, मंच खाली कर दें और जो सामने भी खड़े हैं सभी लोग बैठ जाएं। परपा दुकाभ्या
गणपति पादुकाभ्याम। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं सब गाइए सीतारा
कौन कौन बालाजी को पाना चाहता है? बड़े कंजूस नजर आ रहे हैं, ताली वेस्ट इंडीज वाले बजाएंगे क्या? नशा सरेआम होगा, लत मुझे हिंदू गिरी की लगी तो नशा सरेआम होगा, मेरी जिंदगी का लम्हा लम्हा सिर्फ हिंदुत्व के नाम होगा। हाथ उठा करके सबसे बड़ी कथा ग्रेटर नोएडा में हो रही है। भारत के इतिहास में आज तक 100 बाई 1000 100 बाई 1000 100 बाई 1000 तीन पंडाल किसी कथा के लिए नहीं लगे, और 300,000 स्क्वायर फीट में हमारी ये जो अमृत कल्याण महोत्सव की टीम है, शैलेंद्र त्यागी जी, पूरी मंडली, इन्होंने जो आज इतिहास बनाया भारत में, इसलिए दोनों हाथ उठाकर इनको धन्यवाद जरूर दीजिएगा।
और जो लोगों को हम मिल नहीं पाए वहां पिछली कथा में पड़पड़गंज वाली में, उनको यहां खूब मौका है दिल खोलकर 7 दिन आने का। कौन कौन इस कथा से बहुत खुश है, जरा हाथ उठाओ ना। अरे पागलो, तो ताली पड़ोसी बजाएगा क्या? धड़कन कासी हो जाती है आंखें जब प्यासी हो जाती है, धड़कन कासी हो जाती है आंखें जब प्यासी हो जाती हैं, फिर निगाहों में बागेश्वर धाम झलकता है। दोनों हाथ उठा कर सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम, सीताराम, पागलों की कथा, यजमान जी की कथा, यजमान के पूरे मंडल की कथा में सहयोग करने वालों की, हमसे आवे के पहले जो उपद्रव मचाते रहे उनकी भी, जिन्होंने सहयोग किया उनकी भी, जिन्होंने विरोध किया उनकी भी। नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
अखंड ब्रह्मांड नायक कोटि सूर्य समप्रभा भगवान श्री सीताराम भगवान के पादारविंदों को हम नाक रगड़कर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। कथा के सबसे बढ़िया वक्ता, सबसे बढ़िया श्रोता, अनंत बलवंत परम संत श्री हनुमंत लाल के चरणों को बारंबार प्रणाम करती हूं। परम पूज्य श्री दादा गुरुजी को प्रणाम। यह पावन भूमि ग्रेटर नोएडा की यह भूमि जो आज पूरे भारत में कीर्तिमान स्थापित करने जा रही है, बिहार के बाद हमें कहीं पर इतने पागलों का समूह नजर आ रहा है तो वो ग्रेटर नोएडा की इस धरती पर आ रहा है। तीनों पंडालों के बाद भी सामने पागल ही पागल खड़े हैं। धन्य है यहां की भक्ति, यहां की शक्ति। आज मानो लग रहा हो पूरा ग्रेटर नोएडा और पूरा दिल्ली का क्षेत्र कृष्णमय और राममय हो गया। ऐसी इस पावन भूमि को प्रणाम, पूज्यपाद श्री दादा गुरु और सन्यासी बाबा के चरणों को प्रणाम एवं संत समाज के चरणों में हमारे सामने सभी संत विराजमान है, सब संतों में चरणों में नाक रगड़ कर दंडवत प्रणाम, भूदेव ब्राह्मणों के चरणों को प्रणाम और देश विदेश में जो संस्कार टीवी चैनल के माध्यम से बड़ी देर से इंतजार में कथा के लिए बैठे थे, बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबको कली कुलशेखर पावन अवतार भगवान प्रातःश्वणी गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की एक चौपाई के साथ तीनों पंडालों में, बड़े बड़े पंडालों में फिर भी बाहर खड़े बैठे कुछ लोग मेन पंडाल में आने के लिए लड़े हैं, फिर भी बात बात पर अड़े, फिर भी बागेश्वर बालाजी के दरबार में अड़े। ऐसे तीनों पंडालों में जो जो भी विराजमान हम एक चौपाई के साथ प्रणाम करते हैं। सिया राम से 7 दिन तक ग्रेटर नोएडा की इस पावन धरती पर बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा की कृपा से अमृत कल्याण सेवा ट्रस्ट के तत्वावधान में बागेश्वर बालाजी के मंडल के प्रेरणा से 7 दिन तक हम लोग इस धरती पर बैठकर श्रीमद् भागवत कथा का रसस्वादन करेंगे। वैसे तो इस कथा में कई उतार चढ़ाव आए लेकिन अंततो गत्वा भारत में सनातन का झंडा ऐसे ही फहराते रहना है और सनातनीय हिंदुओं की एकता ऐसे ही होती रहनी है, इस निमित्त को दृष्टिकोण रखते हुए आज पूरे भारत में यह ग्रेटर नोएडा की कथा की चर्चा है। इतने 3 लाख स्क्वायर फुट के टेंट में जहां दृष्टि डालो
वहां केवल बागेश्वर धाम के पागल ही पागल नजर आ रहे हैं। चार लाख, क्षमा कीजिएगा, 4 लाख स्क्वायर फीट का टेंट लगवाया गया, जिसमें बागेश्वर धाम के बड़े ही प्रिय श्री शैलेंद्र शर्मा जी, उनके माता पिता मुख्य यजमान के रूप में, और केवल वो अकेले नहीं, पूरी मंडली, श्री पवन त्यागी जी, हमारे प्रिय श्री मुकुल त्यागी जी, श्री अभय त्यागी जी, गिरीश त्यागी जी, श्री नरेश ठाकुर जी और मनोज गर्ग जी, जितेंद्र भाटी जी और सुनील भाटी जी, इन्होंने अपना तन मन धन सर्वस्व अर्पण करके इस कथा को आज श्री सीताराम भगवान की प्रेरणा से पूरे ग्रेटर नोएडा के लोगों के लिए समर्पित किया है। बहुत ही अद्भुत व्यापक व्यवस्था के साथ यह कथा भगवान के चरणों में प्रारंभ होती। हम आप सबको पुनः पुनः साधुवाद और जय श्री राम। साधु जी, 7 दिन तक हम लोग कथा करेंगे, आवाज तो हो गए लेट क्योंकि जल्दी नहीं खुला गाड़ी का गेट। दरअसल यहां आना तो जल्दी था, बाद में पता लगा कि महाराज जी 5-10 मिनट बाद आइएगा, जनरेटर खराब हो गया, तो हम तो अपनी पूरी सिंगार पेटी खोले बैठे ही थे। जब लेट होता दिखाई दिया सो राम जी ने थोड़ा विलंब कर दिया, माला जप ली, लेकिन जो है अंततो गत्वा आ गए। अब 7 दिन तक हम तुम लोगों को परेशान करते रहेंगे, लेकिन एक बात बोलें, हमारा सौभाग्य है जो हम आप लोगों को कथा सुनाएंगे, लेकिन हमें लग रहा अब सनातन हिंदू भारत में जग रहा। जो क्रांति सर्वत्र दिखाई पड़ रही, इससे ये हमें भरोसा हो रहा कि अब हमारे भारत में सनातन सुरक्षित है और हमारे बच्चों को बेटियों को अब कोई भी आंख उठाकर नहीं देख सकता अगर ऐसे ही सनातनीय एक रहे। और आपको बतावें, हम ग्रेटर नोएडा ना दूसरी बार आए हैं। सन 2016 में आचार्य हमारे बड़े ही प्रिय आत्मा स्वरूप श्री, बड़े ही योग्य कर्मकांडी यज्ञ आचार्य हैं श्री प्रदीप शर्मा जी, आपके माध्यम से प्रधान जी के यहां हम कथा करने आए थे 2016 में। नया गांव यहीं कहीं पास में है, यहीं कहीं है ना, हाँ यहीं कहीं पास में नवा गांव या नया गांव करके है, वहां हम आए थे सन 2016 में। और दूसरी बार हमें पुनः आप लोगों के दर्शन हमारी किस्मत में लिखे थे, सो हमें दर्शन हो रहे हैं। अब 7 दिन तक हमें झेलना बस यही मुसीबत है। आहा, भगवान की कथा बड़ी मंगलमय। देखो एक बात बोले पागलों, मेरे पागलों, भगवान हमारे माधव जी राग में नहीं मिलते, हमारे माधव जी तो अनुराग में प्राप्त होते हैं। किसमें? अनुराग में। राग ठीक हो ना हो चलेगा, लेकिन अगर आपका अनुराग बहुत अच्छा है भगवान के प्रति तो भगवान को मिलना ही पड़ेगा। सीताराम कम रखिए, आहा, भगवान अनुराग से प्राप्त होते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं, कोई भी सज्जन कितना भी रागी हो, बैरागी हो, सौभाग्य हो, लेकिन अगर वो परमात्मा का अनुरागी नहीं है तो ठाकुर जी का मिलना असंभव है। दूसरी बात,
हम सात दिन की ये जो कथा करने वाले हैं, एक भजन के माध्यम से इस कथा को गुरु प्रेरणा से कहेंगे। और इस कथा का शीर्षक जो हमने आज लिया गुरु प्रेरणा से, बहुत प्यारा है। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। अरे भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इनके प्राण, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में भगवान। भगत मुरली वाले को रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे भोजन पानी, अगर भजनों में लागे भैया छोड़ दे भोजन पानी। अरे प्यार करने वो लागी उससे, किससे? अरे प्यार करने वो लागी उससे, अपने पुत्र समान भगत के बस में है भैया, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है। हमारे साधु जी एक बात सुनो, भगवान को ना पकड़ पाओ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भगवान को ना पकड़ पाए तब तो चलेगा, पर भैया इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ पकड़े ही ना। भगवान को पकड़ना बड़ा असंभव है, पाना बड़ा मुश्किल है, प्राप्ति करना, प्राप्त की प्राप्ति बड़ी मुश्किल है, लेकिन अगर किसी भगवान के ठिठोले भक्त को पकड़ लिया जाए तो भगवान की प्राप्ति बहुत सरल है। लेकिन हम लोग, ग्रेटर नोएडा का आदमी तो और खतरनाक होता है, राम जी बचावे। हाँ, हम लोगों की मत सोचो, सुनो, हम लोग भगवान को पाना तो चाहते हैं लेकिन अपनी शर्तों से। अपनी शर्तें क्या? भगवान मिले तो हमें मकान दे देवे, दुकान दे देवे, लुगाई दे देवे। हम लोग अपनी शर्त से भगवान को पाना चाहते हैं, बिजनेस हो जाए, बाल बच्चे हो जाएं, बढ़िया नौकरी लग जाए और बढ़िया हमें भगवान नेताजी बना दे। अच्छा, नौ काम सफल हो जाएं, एक काम सफल ना, भगवान तो है ही नहीं, ठटरी के बरे। तुरंत प्रमाण पत्र हम भगवान को दे देते हैं, तुरंत, भगवान है ही नहीं, सुनते ही नहीं, वो तो बड़ा कठोर है। भैया भगवान को पाना सरल है लेकिन हमारा आपका सरल होना कठिन है। भगवान को पाना सरल है लेकिन हमारा आपका सरल होना बहुत कठिन है। और जो भी संसारिक व्यक्ति भगवान के भक्तों को पकड़ लेता उसका बेड़ा पार हो जाता है। इसलिए ग्रेटर नोएडा के पागलों, हमारी कथा की आज की बात तुम गांठ बांध लो, तुम भगवान को पकड़ पाओ या ना पकड़ पाओ, भगवान के लाडले भक्तों को पकड़ लो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। दूसरी बात, भगवान को हम अपने स्वाहित बस पाना चाहते हैं। भगवान चमत्कारी है,
अच्छा हम लोग भगवान चाहते भी कैसे, मुंह में नारियल डाले और भगवान हाथ में फोड़ के निकाल दे। भगवान है चमत्कारी, हम उनको पर्चा पकड़ाएंगे सोई भगवान वो हमको पकड़ा देंगे, ये लुगाई ले ले, ये मकान ले ले। अच्छा दूसरी बात, हम तुम अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी का सुख देखकर दुखी है। वाह, पड़ोसी तो कुछ काम नहीं करता, बड़ा ठलुआ है, नंबर दो का काम करता, फिर भी रेंज रोवर पर घूम रहा, अरे ठटरी के भरे तू कर। लेकिन ना, हम अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी का सुख देख ले सो दुखी है। इसलिए मेरे साधु जनों, हमारी आत्माओं, हमारी एक बात गांठ बांध लो, आहा हा, हम भगवान के चरण ना पकड़ पाए कोई दिक्कत नहीं, भगवान के लाडले भक्तों के चरण पकड़ लें तो जब कभी भगवान उन पर कृपा करेंगे आप पर भी करुणा बरस जाएगी। भगवान कहते हैं ना हम बसामि वैकुंठे योगिनां हृदये न चान मदभक्ता यत्र गायन्ति तत् तिष्ठामि नारदा। भगवान कहते ना तो हम वैकुंठ में रहते, फिर कहां रहते हो, योगियों के हृदय में? ना ना ना, हम तो योगियों के हृदय में भी नहीं रहते, पर आप रहते कहां हो, आपका ठिकाना कहां है, कोई निवास है? भगवान बोले एक निवास है। का कौन सा? मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तृष्ठामि नारद। जहां जहां हमारे भक्त हमारे नाम का भाव पूर्वक कीर्तन करते हैं, भगवान कहते हम वहीं जाकर के विराजमान हो जाते हैं। कितनी अच्छी बात है। इसका मतलब हमें भगवान के पास दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, फिर क्या किया जाए? आप जहां हो वहीं भक्तों को बुलाकर, भगवान के प्यारे संतों को बुलाकर भगवान की कथा घर में करो, खुद गाओ, कीर्तन गाओ, भजन गाओ, भैया हमारे ठाकुर जी दौड़े दौड़े चले आएंगे। दूसरी बात यह है, भगवान को पाकर, परमात्मा को पाकर हम क्या करना चाहते, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारे पास लोग आते हैं, महाराज जी ऐसी कृपा करो हमें भगवान मिल जाए, अच्छी बात मिलना चाहिए, लेकिन आप भगवान को पाकर करना क्या चाहते? एक सज्जन से हमने पूछा बताओ क्या करना चाहते, बोले महाराज जी आप ही बताओ। हमने कहा देखो भाई, भगवान को पाने की बजाय भगवान की भक्ति को पाओ। बोले क्यों? हमने कहा देखो, भक्ति होगी तो भगवान दौड़े दौड़े चले आए। दीपावली पर लक्ष्मी माता की पूजा सब लोग करते हैं, हाँ जी या ना जी बोलो, करते कि नहीं? अच्छा, लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, लेकिन लक्ष्मी, केवल लक्ष्मी की पूजा करते हैं। आपसे ही हम पूछते हैं कि मान लो आपकी बुआ जी को तुम घर पे बुलाओ तो वो कितने दिन रहेंगी? 10 दिन, ज्यादा प्रार्थना करोगे 1 महीना, 2 महीना, फिर तो कहेंगी जाने दो, घर पे हैं, बच्चे हैं, हाँ जी या ना जी? अरे बोलिए, फिर तो जाएंगी ना। अच्छा एक काम करो, बुआ जी को बुला लो और फूफा जी को भी बुला लो, उनसे कहो अब यहीं रहना है, अब नहीं जाना है। तो क्या बुआ जी अकेली चली जाएंगी? जवाब दीजिए, नहीं जाएंगी। उसी प्रकार हम लोग केवल लक्ष्मी की पूजा करते हैं, नारायण की पूजा नहीं करते। अगर लक्ष्मी और नारायण दोनों की पूजा करें तो तुम्हारे घर से कभी भी लक्ष्मी नहीं जाएगी। उसी प्रकार भगवान को पाना है तो केवल भगवान की पूजा मत करो, भगवान के प्यारे भक्तों की पूजा करो। भगवान के प्यारे भक्तों की पूजा करोगे तो भगवान सदा सदा के लिए तुम्हारे हृदय में आ जाएंगे। बोलो सीताराम,
जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। लेकिन भैया हालत क्या है? भजन करत में आलसी, भोजन में तैयार, और तुलसी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार। हम लोगों की गति क्या है? हम लोग कथा सुनने बैठते हैं तुरंत नींद आने लगती है, आह अब तो बिस्तर मिल जाए, तीन दिन नहीं उठे। अरे भाई हद हो गई, बड़े विचित्र आदमी हो। अच्छा तुमसे कह दिया जाए चलो गंदी बातें करें, रातों भर गंदी बातें करोगे, नींद नहीं आई पूरी रात, बुरी बुरी बातें, किसी की बुराई करवाओ आ पूरी रात। और कई लोग ये जितने भी फोन वाले, हेलो आवाज आ रही, मां से वहां से जवाब आता, धीरे बोलो मम्मी जग रहे, बताओ। और ऐसे लोगों को रात भर नींद नहीं आती, और उनसे कहो रात्रि में भाई सीताराम करो, जय हनुमान ज्ञान गंगा, अरे यार महाराज जी हमारा तो दिमाग खराब है, मूड पे रहो सो जाओ। फटरी के बरे न कटा आगी के लगे, भगवान की भक्ति में दिमाग खराब, और दुनिया की जो देवी जी की, तुम जिंदा देवी जी की भक्ति कर रहे उसमें कोई दिमाग खराब नहीं। तुमसे तो बजरंग बली बचाए, हम प्रार्थना यही करना चाहते, वासना में मन लगता है, उपासना में मन नहीं लगता है, बल्कि मन को वासना की जगह परमात्मा की उपासना में लगाना चाहिए। अच्छा महाराज जी जो तुमने बताया बात तो सही है, पर ये मन मानता क्यों नहीं? क्या उपाय है कि मन माने और भगवान की भक्ति में लगे? एक उपाय है, क्या? बैठो संतों के संग, रंगो मोहन के रंग। किसके रंग? ओ तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले। भगवान से प्रार्थना करो दोनों हाथ उठा करके, ओ तेरे रंग से दोनों हाथ उठा करके, बताओ भगवान के रंग में कौन कौन रंगना चाहता है? पागलो पक्का बजाओ ताली, जो ताली नहीं बजाएगा ना अगले जन्म में उसकी शादी कैंसिल। तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना, जहां भी हो मैं, जहां भी हो मैं, जहां भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहां भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहां भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहां भी रहूं बरसाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले। कौन जिंदगी भर बरसाना पाना चाहता है? ओ मेरे लाडलो, ओ तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, मैं जहां भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहां भी रहूं बरसाना मिले, जहां भी रहूं बरसाना, हाथ उठा कर। और परसाने बारी की बगल के पंडाल वाले हैं, तुमने अगर कंजूसी की ना तो पड़ोसी बेकार मिलेगा। दोनों हाथ उठाओ ना, कहो
ठकुरानी से। तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, तेरे रंग में, तेरे रंग में, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना। मैं जहां भी, मैं जहां भी, मैं जहां भी रहूं बरसाना मिले, जग में तेरा तो ही एक नूर है, सारे जग में तेरा ही तो एक नूर है, मेरे काना भी तुझसे ही मशहूर है, मेरा काना भी तुझसे ही मशहूर है, मेरा काना भी तुझसे ही मशहूर है, मेरा काना भी तुझसे ही मशहूर। बोल बरसाने बारी की, मेरा काना भी तुझसे ही मशहूर है, मेरा काना भी तुझसे ही मशहूर है, बदकिस्मत है वो जो तुझसे दूर है, बदकिस्मत है वो जो तुझसे दूर है, बदकिस्मत है वो जो तुझसे दूर है, तुझसे दूर है, तुझसे दूर है, तुझसे दूर है, वो तुझसे दूर है। उठाकर कहो हे राधा रानी, तेरे नामों का, तेरे नामों का हर मस्ताना मिले, मस्ताना मिले। कौन कौन मस्ताना पाना चाहता है? मैं तो दीवानी हो गई, मैं तो मस्तानी हो गई, चुनरिया हो प्रेम रंग में रंगी चुनरिया हो, ये मीरा हो, मीरा हो, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। तेरा नामों का, तेरे नामों का, तेरे नामों का हर मस्ताना मिले, तेरे नामों का हर मस्ताना मिले। मैं जहां भी हो, और कंजूसी करो पागलो, तेरे नाम का हर मस्ताना मिले, तेरे नाम ta da da da।
राधा के बिना मेरा मोहन है आधा। कौन कौन मानता है कि राधा के बिना श्याम अधूरा है? कौन कौन मानता? बगल वाले, तुम लोग रसगुल्ला भर खाने आए हो का? तुम्हारी जय हो। उठाओ दोनों हाथ, जो ताली ना बजाए उसे अपने अपने बगल वाले की कसम है। ऐसे उठाओ हाथ। राधा 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 बड़े ही प्यारे गोविंद नामदेव जी आए हैं। वैसे तो ये फिल्मों में विलन बनते हैं, पर रियल जिंदगी में ये भगवान के बड़े लाडले हैं। और तुम लोग भी दोनों हाथ उठाओ, भी ये भी ठुमका लगाएं। राधा 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 रानी की कृपा किस कर पर है ना? तुम लोग मानते हो ना? देखो तुम लोग तो वृंदावन के नजदीक हो ना? तेरी रहमत के गीत, तेरी रहमत के गीत गाने आया हूं मैं, तेरी रहमत के गीत गाने आया हूं। कई गुनाहों की सौगात लाया हूं मैं, हाथ उठा करके कहो, मैं तो करुणा जगत का सताया हूं, मैं तो करुणा जगत का सताया हूं। कौन कौन संसार का सताया है? मैं तो करुणा जगत का सताया हूं, मैं ओ सताया हूं, मैं ओ सताया हूं, मैं ओ सताया हूं, मैं ओ सताया हूं, मैं। अब तो एक कृपा करना ठकुरानी, छो क्या रहमत का कृपा का, तुम्हारी कृपा का रहमत का इशारा नजराना, रहमत का इशारा नजराना मिले, रहमत का इशारा नजराना मिले, रहमत का इशारा नजराना मिले। मैं जहां कंस नाए जगे को, कन्हैया की तो छोड़ो, जरा जोर से गाओ, श्यामा 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 श्यामा। राधा 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 राधा,
राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्यामा 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 श्याम। तो साधु जी भगत की हाँ हाँ भगत के संत कहते हैं कि हम भक्त नहीं बन पाए तो कोई दिक्कत नहीं, अगर हम भक्त ना हो पाए तो चलेगा, भक्तों के दास हो जाएं, और जब भक्त पर परमात्मा की कृपा होगी तो हम पर भी हो जाएगी। आहा, हमको एक कथा याद आ रही, क्या कहना, पूज्य श्री मोहनदास बाबा, राजस्थान में एक हनुमान जी का मंदिर है सालासर वाला जी, बोलो सालासर वाले हनुमान जी महाराज की, सालासर के आसपास सीकर जिला, सीकर जिला के पास एक गांव था कल्याणी, बिल्कुल सत्य घटना है। हाँ हाँ, कल्याणी गांव के पंडित श्री लक्ष्मीराम पटोरिया जी, उनके घर पर आहा एक बालक का जन्म हुआ, नाम रखा मोहनदास, ये सबसे छोटे थे, बेटी का नाम था कान्ही, कान्ही का विवाह सालासर में हुआ, समय की मार ऐसी हुई कि कान्ही के यहां पर भगवान की कृपा से एक बालक हो गया जिसका नाम उदय था, पर बालक के जन्म लेने के बाद पति का देहांत हो गया, तो श्री मोहनदास जी अपनी बहन कान्ही के यहां सालासर में रहने लगे। आहा, लेकिन ये हनुमान जी के बड़े भक्त थे, काम करते अपनी बहन के यहां खेतों में हल जोतते थे, लेकिन मुख से सीताराम 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 हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान गाते रहते थे।
प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भक्तों के लिए भगवान कुछ भी करने को तैयार है। तो जब मोहनदास बाबा हल चलाते, गर्मी बहुत होती थी जून के महीने में, धूप बहुत होती है, पसीना आता, हनुमान जी देखो, हनुमान जी ने किसको बस में किया? सुमरि पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे राम। आहा, राम नाम जपकर हनुमान जी ने राम जी को बस में कर लिया। लेकिन राम जी को बस में करने वाले हनुमान जी को मोहनदास बाबा ने कीर्तन करके हनुमान जी को अपने बस में कर लिया। अब तो जब ये हल चलावे सोई हनुमान जी को दया लग जावे, हनुमान जी प्रकट होकर के अपनी पूंछ से छाया कर देवे, जैसे छाता लगाते ना, पीछे पीछे छाता चल रहा हो, वैसे ही जब मोहनदास बाबा कीर्तन करें सोई हनुमान जी प्रकट हो जाए, और प्रकट होकर के अपनी पूंछ से छाता लगा देवे और पूंछ हिलाते रहे ताकि बाबा को पसीना न आए। एक बार इनका भांजा जिसका नाम उदय था, उदय ने कहा आज आपके हाथों में बड़े बड़े निशान पड़े हैं, सत्य घटना बता रहे हैं, बड़े बड़े निशान पड़े हैं, क्या बात है? इन्होंने नहीं बताया, लेकिन जब रात के समय देखा तो हनुमान जी मोहनदास बाबा के साथ मल्ल युद्ध कर रहे हैं और हनुमान जी के हाथों के निशान मोहनदास बाबा के शरीर पर लगे, और रोज श्री हनुमान जी आकर इनकी रक्षा करते रोज, और जब जब मोहनदास बाबा के ऊपर कोई विपत्ति आती हनुमान जी स्वयं प्रकट हो जाते, भैया भगवान भक्त के बस में है, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे, ताहे अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच न चावे। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा भगवान का ध्यान करते, पूजन करते, जप करते, तप करते, यज्ञ करते, हवन करते, नियम करते, आसन करते, प्राणायाम करते, ध्यान करते, योगाभ्यास करते, भगवान को रिझाते, कीर्तन गाते, भजन गाते, मनन करते, चिंतन करते, कथा श्रवण करते, तब कहीं भगवान की कई सालों बाद एक झलक दिखाई पड़ती। पर धन्य है ब्रज की गोपियां, वह नटवर नागर नंदा ब्रज की गोपियों की छाछ पर नाच नाच रहा है। जो दुनिया को नचाता हो वो भगवान भक्तों के बस में रीझ करके नाचता है। बोलो जय सियाराम। इसलिए हम ग्रेटर नोएडा में बैठे इस कथा के क्रम में आपको प्रार्थना करें कि हम लोग भक्त ना बन पाए चल जाएगा, पर किसी भक्त के अगर चरण पकड़ लें तब भी भगवान की प्राप्ति संभव है। इसीलिए इस कथा का सूत्र है भगत के भगत के बस में। आप लोग तो ज्ञानी हो, हम भागवत की कथा तो सुनाएंगे, पर एक चर्चा और याद आ गई सूरदास जी की। सूरदास जी वृंदावन में रहते थे, बाबा सूरदास, अब दिखाई तो देता नहीं था, मंदिर में रहते थे। एक दिन मन में आया चलो बाहर घूमा, मैं बाहर घूमने आए तो एक कुआं में गिर गए। अब कुआं में गिर गए तो बड़े परेशान, कुआं में गिर गए तो बड़े चिल्लाते रहे, अरे भैया है कोई हमें निकाल लो, पर किसी को सुनाई नहीं दी आवाज, क्योंकि ये बड़े नीचे डले थे। हमारे ठाकुर जी से रहा नहीं गया, आहा, हमारे ठाकुर जी गए, और भगवान तो आजान बाहु है, लंबी भुजाओं वाले,
तो भगवान ने अपना हाथ बढ़ाया, आ जाओ बाबा ऊपर। सूरदास जी ने हाथ पकड़ा, अरे भैया तेरो हाथ तो भारी बड़ो है। हाँ बाबा, ऊपर आए। बड़े कोमल कोमल हाथों को सूरदास बाबा को दिखाई तो देता नहीं था, पर हाथों को पकड़कर ऐसे मुंह पर हाथ रखा तो मोर पंख में हाथ लग गया। अरे भैया ते मोए कोनो छोरा ओरा नहीं दिख रहो, साक्षात ठाकुर जी तो नहीं है? और भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने सूरदास बाबा की दोनों आंखों पर हाथ रखा, सोई सूरदास जी को दिखने लगा, बाबा आप कैसा लग रहा? और जहां प्रभु को देखा सो गदगद हो गए। पर सूरदास जी बोले, महाराज आपकी कृपा से लग तो बढ़िया रहा, पर हमारी प्रार्थना है हमें एक वरदान दो। हाँ मांगो। बोले, इन नेत्रों ने अब तुम्हें देख लिया, अब हमारी आंखें किसी और को नहीं देखना चाहती हैं, अब कोई और नहीं। इन नैनों में आप बस गए, अब इन आंखों में कोई दूसरा नहीं चाहिए। और सच बताएं मेरे माई बाप, एक बार जो ठाकुर को देख लेता ना, उसे फिर दुनिया फीकी नजर आती। हमारे कन्हैया हैं ही इतने प्यारे। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणुर करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललतम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टतो विजयते गोपाल चूड़ामणि। भगवान है ही इतने प्यारे, तो जो निर्बल है उनके लिए भगवान सबल है। जो राग में नहीं वो अगर अनुराग करे तो भगवान की प्राप्ति है, और जो केवल भगवान के भरोसे हैं उनको भगवान प्राप्त होते, और जो भगवान के प्यारे भक्तों के भरोसे हैं उनको भी भगवान प्राप्त होते हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है इस कथा के माध्यम से कि तुम लोग भक्त ना बन पाओ, माला ना जप पाओ। वैसे तो तुम लोगों को कोई काम है नहीं, पर बिजी बहुत हो। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना मिलेगी काम से, तो कुछ वक्त ऐसा निकालो प्रेम करो प्रभु राम से। लेकिन किसी से कहो, भैया भगवान की कथा सुनो, समय निकालो। महाराज जी हमें तो बहुत काम है, आई एम बिजी, सॉरी। खटरी के बारी काम तो जिंदगी भर नहीं बढ़ाना है। जब तक जियोगे तब तक काम रहेगा। काम कब विराम होगा? जब राम नाम, जहां राम नाम सत्य है पर काम बंद, फिर कोई नहीं करता है। वरना जब तक जियोगे तब तक काम काम। अच्छा एक बात और, बुरा मत मानना, हम लोग काम किस लिए करते हैं? इसलिए काम करते हैं ताकि एक दिन आराम से सो सके। काम किस लिए करते हैं? काम इसलिए करते ताकि एक दिन आराम से सो सके। पर पूरी जिंदगी में आप अपनी हिस्ट्री निकालना, वो एक दिन कभी नहीं आता, वो एक दिन कभी नहीं आता। चाहे जितनी मेहनत करो, आज ज्यादा कर लेंगे तो कल थोड़ा कम काम रहेगा, पता चले कि करो और बढ़ गया, और बढ़ ही जाता है। इसलिए काम में तो जिंदगी भर रहना। आप राम जय राम, काम में तो बहुत दिन रहना है, आओ कुछ दिन राम में रहें, कुछ दिन राम की शरण में रहें। अच्छा महाराज जी, राम की शरण में रहने से होगा क्या? हम तुमसे पूछते हैं, आराम किस किस को चाहिए? हाथ उठाओ जिन्हें आराम चाहिए। चाहिए तो सुनो, आराम की तलब है तो एक काम करो, आराम की तलब है तो एक काम कर, आ राम की शरण में राम राम कर। अगर आराम चाहिए तो राम की शरण चाहिए। और हमसे कोई पूछे, महाराज जी किसी को आराम मिला? बोले बिल्कुल मिला। किसको? हनुमान जी महाराज को देख लो, जब से राम जी की शरण में आ गए जय जयकार हो गई, आराम भी है और चारों युगों में उनका प्रताप भी व्याप्त है। बोलो जय सियाराम, जोर से बोलो और जोर से कहो,
इस दुनिया में जो भी राम के भरोसे हैं उनका जीवन बढ़िया है। दीन कहे धनवान सुखी, गरीब आदमी कहता है कौन सुखी है, बोले जो धनवान है भी वो बहुत सुखी है, बहुत आराम में। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। धनवान कहता हम सुखी नहीं है, फिर कौन है, बोले सुखी तो है राजा। राजा कहे महाराजा सुखी, राजा कहते हम भी सुखी नहीं, दिमाग खराब है। हम जब पहली बार मुंबई गए, आपकी बंबई पहली बार, तो एक जड़िया जी हैं पन्ना के, हीरा का काम करते हैं, वो हमको लेवा गए, बोले गुरु जी मुंबई आइए। हम भी चले गए, हमने मुंबई देखी नहीं थी, तो यही कोई 1.5-2 साल पहले कोरोना में ही पहली बार गए, पहली बार नहीं, बंबई तो बंबई, आपकी मुंबई पहली बार गए, तो लोग हमारे पास मिलने आए, तो जिनके घर रुके थे उनके मिलाने की स्टाइल बड़ी गजब की। उनके घर लोग हमारे पास मिलने आए तो वो मिला कैसे रहे, गुरुजी ये 25,000 करोड़ के आदमी, ये 15,000 करोड़ के मालिक, ये 20,000 करोड़ की कंपनी के मालिक। हमने कहा बाबा बहुत अच्छा। हमने ऊपर से नीचे तक देखा तो एक सेठ जी बोले गुरुजी ऐसा क्यों देख रहे। हमने कहा देख रहे कि कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं तुम्हारे शरीर में निकला है, क्योंकि तुम 20,000 करोड़ के हो। तो वो हंसने लगे, बोले नहीं गुरुजी। तो जड़िया जी बोले गुरुजी 1-2 लोगों को कुछ पूछना है, जरा बता दो। हमने 25,000 करोड़ के मालिक से पूछा अकेले में पूछोगे या सबके सामने। बोला नहीं नहीं अकेले में, अकेले। हमने सबसे कहा यू कैन गो, जाओ जाओ जाओ, हम इनका जरा पर्चा फाड़े। हमने पर्चा बनाया और पर्चा बनाया, जैसे ही पर्चा बनाया और हमने कहा कहो क्या पूछना है, हे भगवान, ऐसा रोने लगा, ऐसा रोने लगा जैसे लुगाई हो। अरे हमने कहा 25,000 करोड़ के आदमी हो, इतने बुरे रो रहे हो, हमारे आदमी ठीक है 25 रुपया जेब में नहीं है फिर भी ठहाका लगा कर हंस रहे हैं, क्या काम के 25,000। हमने तो उनसे कह दिया था इससे अच्छा तो तुम बाबा बन जा, दान करो बाबा बनो, जब रोना ही है वो 25,000 करोड़ के आदमी। तो दीन कहे धनवान सुखी, गरीब आदमी कहता धनवान सुखी है, पर धनवान से पूछो तुम सुखी हो, धनवान कहे सुख राजा को भारी। नहीं नहीं हम नहीं, राजा सुखी है। राजा से पूछा क्या तुम सुखी हो, राजा कहे महाराजा सुखी। हम नहीं है, महाराज चक्रवर्ती सम्राट ये सुखी है। उनसे पूछा तुम सुखी हो, महाराजा कहे सुख इंद्र को भाई। हम नहीं है सुखी, इंद्र देवता है। इंद्र से पूछा तुम सुखी हो, इंद्र बोले कहां सुखी है, कोई भी माला जपता है तो हमें टेंशन हो जाती है कहीं हमारा इंद्रासन ना छीन ले। इंद्र कहे ब्रह्मादि सुखी, हम नहीं है, ब्रह्मा जी सुखी है। ब्रह्मा जी से पूछा तुम सुखी हो, ब्रह्मा जी बोले हम तो और टेंशन में। तुम्हें क्या टेंशन, हमें टेंशन ये है कि कहीं कंपनी में गलत आदमी ना बन जाए तो लफड़ा। तो बात भी सही है। देखो हम विचार कर रहे थे एक दिन कि भगवान ब्रह्मा जी कितने अद्भुत बुद्धि के मालिक हैं, लाखों करोड़ों लोग बनाए और चाइना में तो बड़ो लफड़ा कर दो, एक सी आंखें छोटी छोटी छुटी छुटी, एक सा मुंह, लेकिन फिंगरप्रिंट सबके अलग अलग। कितनी अद्भुत कारीगरी ब्रह्मा जी की। हम एक दिन बैठे बैठे विचार कर रहे थे कि धन्य है ब्रह्मा जी, क्या बुद्धि पाई, लाखों करोड़ों लोग अरबों खरबों लोग बनाए पर सबको कुछ ना कुछ अलग कर दिया, डिफरेंट। हम लोग गाड़ी लॉन्च करवाते हैं तो गाड़ी में भी सुधार करके न्यू वर्जन लाना पड़ता, और ब्रह्मा जी ने ये बॉडी रूपी कार एक बार लॉन्च की, दोबारा नहीं करनी पड़ी। हा हा। तो इंद्र कहे ब्रह्मादि सुखी, ब्रह्मा जी बोले हम भी सुखी नहीं, फिर कौन, सुखी राम के दास। कौन सुखी है बोलो बोलो बोलो, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास,
और थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम के लाल। वृंदावन बिहारी राम जी के जो दास रहेंगे वो सुखी रहेंगे, माया का दास दुखी रहेगा, माधव का दास सुखी रहेगा। माया का दास दुखी रहेगा पर माधव का दास सुखी रहेगा। पर महाराज जी अगर भगवान की भक्ति ही करनी है तो बाबा बन जाए, बाल बच्चे छोड़ दें, परिवार छोड़ दें। अरे नहीं नहीं भैया, छोड़ने की जरूरत नहीं है। तुम जहां हो वहीं रहो, जो कर रहे वही करो, पर उसमें लिप्त मत हो। लिप्त होना है तो परमात्मा की भक्ति में लिप्त होना चाहिए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। दूसरी बात, हम लोग दुखी क्यों हैं? क्या अपने दुख से? बिल्कुल नहीं, पड़ोसी के सुख से। हम लोग सबसे ज्यादा दुखी इसलिए एक दूसरे से अपनी तुलना करते रहते। अरे यार उनके तो इतनी जल्दी गाड़ी लिप गई, मकान बन गया, हमारे नहीं बन पाया। अरे भाई उनके बन गया, तुम भी काम करो, तुम्हारे बन जाएगा। लेकिन हम लोग अपने आप को एक दूसरे से तौलते हैं, तुलना करते, इसलिए दुखी रहते। और जो अपने आप को नीचे बारे से तुलना करता है वो सुखी रहता है। एक सज्जन रो रहे थे, हमारे पास जूता नहीं है, जूता जूता। एक महात्मा बोले कोई भी कांड करो जूते ही जूता मिलेंगे। रो क्यों रहे? हाँ, एक आदमी के जूता नहीं थे। कहा कि क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? बोले जूता नहीं है। हमने कहा कोई कांड करो जूते ही जूता मिलेंगे। अरे बोले वो वाले नहीं, एडिडास। अरे हमने मान लिया। हमने कहा ये पहने तो हो? अरे बोले ये तो लोकल है, एडिडास चाहिए ठटरी के बरे। हमने कहा एडिडास क्यों चाहिए? बोले पड़ोसी पहनता है हमारा। हम एक महात्मा के साथ, हमने कहा चलो ठीक है, चलो हमारे साथ। एक झोपड़ी में ले गए, गरीबों की झोपड़ी। उसे लगा कि महाराज जी जूता लिबवाएंगे। हमने कहा हम जूता लिबवाएंगे नहीं, पड़वाएंगे। बोला ऐसा मत करो। हम कहे नहीं नहीं ऐसा नहीं करेंगे, चलो चलो। वहां झोपड़ी में गए, एक आदमी बैठा था, उसने जैसे ही देखा राम राम किया, गुरु जी। हमने कहा खुश रहो। हमने कहा इसे देखो चंगीलाल, इसे देखो। तो जो साथ में गया तब वो बोला क्या देखना, आदमी है? अरे हमने कहा आदमी तो है पर ठीक से देखो। तब उसने ठीक से देखा, बोले गुरुजी इसके पैर नहीं है। हमने कहा यही तो मैं बताना चाहते, जिसके पैर नहीं है वो मुस्कुरा रहा है, और जिसके पैर भी है जूता भी है वो रो रहा है। यही तुलना के कारण दुख होता है। अपने से बड़े वाले को देखोगे तो दुखी होगे, अपने से नीचे वाले को देखोगे तो सुखी होगे। ऊपर देखो परमात्मा को, परमात्मा और गुरु की कृपा रहेगी अगर ऊपर, तो हम लोग रहेंगे भूपर। भगवान की कृपा और गुरु की कृपा रहेगी ऊपर, तो हम लोग रहेंगे भूपर। सियावल रामचंद्र की। लेकिन दुखी क्यों? अभी रुको, पूरी बात सुन लो फिर कथा बताएंगे। आहा हा, हम लोग दुखी इसीलिए कि पड़ोसी को देखते। एक बार एक कथा याद आ गई। ग्रेटर नोएडा की एक आदमी चंगीलाल ने, हमारा एक चेला है चंगीलाल, आजकल यहीं रह रहा ग्रेटर नोएडा में, फेस टू में। ग्रेटर नोएडा के चंगीलाल ने ब्रह्मा जी की तपस्या। ब्रह्मा जी प्रकट भए, बोले वरदान मांगो। चंगीलाल बोला महाराज हम जो मांगे वो मिले ऐसा वरदान दो। ब्रह्मा जी बोले भाई मिलेगा तो आशीर्वाद, लेकिन तुम्हें जो मिलेगा तुमसे ज्यादा डबल पड़ोसी को मिलेगा। अब इसका दिमाग खराब, इसने कहा भाड़ में गया वरदान मिल जाए। बोले ठीक है आप तो तथास्तु कहो। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। अब ये खुश हो गया, घर पर आया, इसने सोचा वरदान ट्राई कर ले ट्राई। इसने कहा हे भगवान एक मकान बन जाए। इसका तो एक मकान बना, पड़ोसी के दो बन गए। अब ये घर के बाहर निकला, दिमाग खराब, हमारा तो एक ही है ये तो दो दो। हे भगवान हमारा चार मंजिल का मकान बन जाए, इसका चार का बना पड़ोसी का आठ का।
अब और दिमाग खराब। फिर भी इसने अपने मन को मारा, हे भगवान हमारी शादी नहीं हुई, एक लुगाई मिल जाए। इसे तो एक लुगाई मिली, पड़ोसी को दो दो। अब इसका बड़ा दिमाग खराब, ये अपनी लुगाई को पत्नी को लेकर छत पर चढ़ा ही, वाइफ को लेकर, कि पड़ोसी एक लेफ्ट में एक राइट में लेकर खड़ा हो गए। अब तो और दिमाग खराब कि तपस्या हमने की, वरदान हमने मांगा, मजे पड़ोसी। इतना दिमाग खराब कि क्या बताएं। अति से ज्यादा चंगी लाल का दिमाग, हे भगवान हमारी एक कार आ जाए, इसके पास तो एक कार, पड़ोसी लो डबल। अब देखो दिमाग कितना खराब होता है आदमी का, दूसरे का सुख देखकर। अब इसने कहा, हे भगवान हमारी एक आंख ही फूट जाए, वरदान मिल रही है, जब वरदान काम ही कर रहा है। उसने कहा, हे भगवान हमारी एक आंख ही फूट जाए, इसकी तो एक ही फूटी, पड़ोसी की दो ही बल्ब फ्यूज। जैसे ही इसने देखा, नजदीक गया, एक जोर से चांटा मारा, चटा। इसे तो एक से दिख रहा था, काम चल रहा था इसका, पड़ोसी की तो दोनों गायब। इसने कहा, ये बढ़िया है, बहुत मजा लिया, दो दो का, दो मकान दो गाड़ी दो लोग आई, हे भगवान हमारी एक टांग टूट जाए, इसकी तो एक ही टूटी, पड़ोसी की दो ही ने पट गई। अभी भी नहीं माना, अब तो उसे और मजा आने लगा, बोले ये ठीक है, आहा, व्हील चेयर पे चले जब पड़ोसी, बोले कहो रामलाल। इसने कहा, हे ब्रह्मा जी हमारे घर के बाहर 20 हाथ का एक कुआं खोद जाए, पड़ोसी के यहां 40 हाथ का। फिर बोला, हे ब्रह्मा जी हम इस कुएं में गिर जाएं और 50% मर जाएं। हम जब 50 मरेंगे तब ये पूरे। ब्रह्मा जी प्रकट भए, बोले वरदान कैंसल। बोले क्यों? बोले तुम वरदान के चक्कर में पड़ोसी और तापे ले रहे। ये मत पूछना कि वो आदमी ग्रेटर नोएडा का था, ये तो हम बताएंगे नहीं कि यहीं बीच में तुम लोगों का मित्र भी रहा। बताओ, हम लोग इसी कारण दुखी है कि दूसरे का सुख नहीं देख सकते। इस कथा का आशय यह है कि हम दूसरों को, पड़ोसी को दुख में देखकर बहुत खुश होना चाहते, उस चक्कर में स्वयं अपना कुछ बर्बाद कर लें। पर सच्चा संत और सच्चा भक्त और सच्चा इंसान वही है जो दूसरों की बढ़ती हुई उन्नति को देख करके प्रसन्न हो जावे। तो महाराज, प्रसन्न रहने का उपाय क्या? सुखी रहने का उपाय है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इसलिए हम लोग भी भागवत कथा क्यों सुन रहे? भागवत की कथा है ही इसीलिए कि भगवान हमको सुखमय रहना सिखाते। भगत के, भगत के, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद भागवत महापुराण की जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान कृष्ण का मूर्तिमान रूप है। भैया भागवत भगवान के अक्षर अक्षर में हमारे गोविंद समाये हुए हैं, श्याम समाये। अच्छा, भागवत कहते किसे हैं? भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारद आदिभि, वदन्ति त्रिषु लोकेषु, तरन्ति
भव सागरा। जो सभी वेदों का सार है वो भागवत। अच्छा, भागवत में कितने अक्षर? श्री मद भागवत। श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी। मद का अर्थ क्या होता? मा उदा। मद का अर्थ होता है चढ़ जाना। हम लोग कहते ना, उन्हें मद चढ़ गया। अच्छा महाराज, क्या चढ़ जाना? अरे उल्टा सीधा नहीं, मद का अर्थ भगवान की भक्ति की खुमारी चढ़ जाना। तो मद, फिर क्या? भागवत। अच्छा बताइए, भागवत में कितने अक्षर हैं? बोलिए बोलिए। चार। कौन कौन? भा, गा, वा और ता। इन्हीं चार अक्षरों से मिलकर के बनी है भागवत। पहला अक्षर कौन सा है? बोलिए। भा। अच्छा बताइए, भा से क्या होता? भा से होती है भक्ति। क्या होता है भा से? भक्ति। अच्छा महाराज जी, भक्ति कैसी होनी चाहिए? तुमने माला ले ली, तिलक लगा लिया, चंदन लगा लिया, शंकर जी को जल चढ़ा दिया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बिटिया की शादी हो जाए, क्या ये भक्ति है? बोलिए बोलिए। श्वास श्वास सुमिरन करो, ये भक्ति है। श्वास श्वास सुमिरन करो, वृथा श्वास मत खोए, और ना जाने इस श्वास का आवन होए ना होए। श्वास श्वास पर भगवान की याद बनी रहे, इसी का नाम है भक्ति। अच्छा याद कैसे बनेगी? याद को उल्टा करो तो याद का उल्टा होता है दया। क्या होता है? बोलिए। याद का उल्टा होता है दया। आहा, जीवों पर, मनुष्यों पर, हम अपने से निचले व्यक्ति पर अगर करेंगे दया, दया करते ही परमात्मा आएगा याद, और याद आते ही परमात्मा की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। एक बात। दूसरी बात, भक्ति किसे दूसरी कहते हैं? बैठी संतों के संग, रंगी मोहन के रंग, मीरा रानी दीवानी कहानी लगे, ऐसी लागी लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगे, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन। अच्छा मीरा बैठी कहां? बैठी संतों के संग, रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग, रंगी मोहन के रंग, बैठी बैठी संतों के संग, रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग, रंगी मोहन के रंग, मेरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 गुनगाने लगी, बोलो
परम भक्ति मता माता मीराबाई की। आहा, तो भगवान की भक्ति क्या है? भगवान की भक्ति है अहर्निश जाप, बार बार परमात्मा की याद हर पल बने रहना ही भगवान की भक्ति है। शाम सुबह भगवान की याद में बने रहना भक्ति है। और हम लोग भक्ति कैसी करते? मौसम की तरह, सावन आएगा तुम जहां जहां देखो वहां शंकर जी के भक्त मिलेंगे, हर हर भोले हर हर भोले हर हर भोले। और सावन गायब होते ही भोले बाबा के भक्त ऐसे गायब हो जाते जैसे बरसात के गुरबीला गायब हो जाते। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो भगवान की भक्ति क्या? हर पल नाम जप करना। सोमरी पवन सोत पावन सोमरी पवन सोत पावन अपने बस करी राखे रामू, अपने बस करी राखे रामू, अपने बस करी राखे रामू, अपने बस करी राखे रामू। श्री राम जय राम का नाम 2400 घंटे जाप करके राम जी को अपने बस में कर लिया। तो भागवत का पहला अक्षर भा, भा से होती भक्ति। और भक्ति कैसी होनी चाहिए? श्वास श्वास सिमरन करो श्वासों की माला पे, सिमरू में श्वास पर सिमरन करना भगवान की भक्ति। चलिए भागवत का दूसरा अक्षर कौन सा है बोलिए? गा, भा गा। गा से क्या होता है? गा से होता है ज्ञान। क्या होता है बोलिए बोलिए। अच्छा महाराज जी, ज्ञान कैसा होना चाहिए? आपने पीएचडी डीएड बीएड कर ली तो क्या ज्ञानी हो गए? नहीं नहीं नहीं, सच्चा और अच्छा ज्ञानी वो है जिसे ये ज्ञान है कि परमात्मा की कोई सत्ता थी, परमात्मा की कोई सत्ता है और परमात्मा की कोई सत्ता रहेगी, यही सच्चा ज्ञान है। बुरा मत मानना, हम लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी सिखाते, सिखाना चाहिए, गणित सिखाते, सिखाना चाहिए, लेकिन हम प्रार्थना करें स्कूली पढ़ाई के साथ साथ भारत के माता पिता को सनातन संस्कृति की भी पढ़ाई करानी चाहिए। संसार की पढ़ाई से आप बच्चों को भोजन करना, कमाना, धमाना, नौकरी व्यवस्था सिखा सकते हो, लेकिन जीवन जीने की कला अगर सीखनी है तो केवल और केवल अध्यात्म और सनातन संस्कृति ही एक सहारा है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। तो भागवत का दूसरा अर्थ ज्ञा, गा, गा से होता है ज्ञान। अच्छा तीसरा अक्षर कौन सा है? वा, वा से क्या होता? महाराज जी वा से होता है वैराग्य। अच्छा वैराग्य कैसा हो? घर छोड़ दिया तो क्या वैरागी बन गए? कई लोग घर में भाई खटपट तो चल बाबा के मठ पर,
कई लोग कुछ देर के बैरागी बनते हैं, बोलो सीताराम, जोर से बोलो। कई लोगों का बैराग दो तीन मिनट का होता है, घर में लुगाई से भाई लड़ाई, बोले चलो अब तो हम बाबा बनेंगे, बाबा भाई बंद करो, बाबा बनेंगे, गए बाबा बनने, हुआ क्या, रेलवे स्टेशन तक गए तब तक अपने नाती पप्पू की याद आ गई। अरे और तो सब ठीक है, लड़ाई तो होती रहती है, हमारा बेचारा नाती मर जाएगा, रोता होगा, हमारे बिना खाना नहीं खाएगा, सोई लौट कर वापस आ गए। एक संत कहते थे, महात्मा बनना कठिन नहीं है, साधु बनना कठिन नहीं है, लेकिन साधु हो जाना बहुत कठिन है। साधु बनना कठिन नहीं है, साधु हो जाना बहुत कठिन है। भाई बनने में तो क्या, तिलक लगा लो, माला पहन लो, कपड़ा पहन लो, लो बन गए साधु, लेकिन साधु हो जाना बहुत कठिन है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, भक्त होने का नाटक करना सरल है, पर भक्त हो जाना बहुत कठिन है। बोलो जय सियाराम, जोर से बोलो। तो तीसरा अक्षर भागवत का वा, वा से होता है वैराग्य। वैराग्य कैसा, भगवान से मिलने का। अच्छा चौथा अक्षर क्या है भागवत का, बोलिए ता। अच्छा ता से क्या होता है, त्याग। त्याग कैसा होना चाहिए, महाराज जी हम घर द्वार तो त्याग दे में, हम अपना परिवार त्याग दे में। ना जी ना जी ना जी ना, आपको घर त्यागने की जरूरत नहीं है, आपको परिवार त्यागने की जरूरत नहीं है। और वो त्यागी नहीं है जो घर त्यागता है या परिवार त्यागता है, फिर कौन त्यागी है, वह सबसे बड़ा त्यागी महात्मा है या त्यागी भक्त है, जिसने उन लोगों का त्याग कर दिया जो भगवान से दूर लिए जा रहे हैं, वही श्रेष्ठ त्यागी, वही सर्वोत्तम त्याग है। तो भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारद आदि भी वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागरः। अच्छा महाराज जी भागवत का अर्थ क्या, एक अक्षर में, ये तो अलग अलग अक्षर का अर्थ हुआ, एक बात में अगर कोई हमसे भागवत का अर्थ पूछे तो हमारे प्यारे पागलो, हमें तो एक ही बात समझ में आती, भगवान की भक्ति को जिस ग्रंथ के माध्यम से पाया जा सके उसी का नाम है भागवत। दूसरा अर्थ भागवत का, भगवतः इदम स्वरूपम भागवतम, भगवान का ही जो साक्षात मूर्तिमान रूप है उसी का नाम है भागवत। तीसरा अर्थ सुनिए भागवत का, तीसरा अर्थ क्या है, जिसकी कथा को सुनकर के परमात्मा के चरणों में सदा सदा के लिए प्रीति बढ़ जाए उसी का नाम है भागवत। चौथा अर्थ भागवत का, भक्तों की भगवान की महिमा के साथ साथ जिस ग्रंथ में भक्तों की बड़ाई लिखी गई हो उसी का नाम भागवत है। और भागवत में किसकी महिमा, ध्रुव जी प्रहलाद जी आहा इन सब परम भक्तों की कथा इस भागवत में आई है। इसलिए सुदामा जैसे भक्त, ध्रुव जी जैसे भक्त, प्रहलाद जी जैसे भक्त, विदुर जी जैसे भक्तों की कथा भागवत में है, इसलिए इस ग्रंथ का नाम है भागवत। पांचवी बात, भागवत सुनकर भाग मत है? भागवत सुनकर भाग मत, जो भागवत सुन लेता है फिर वो संसार में भागता नहीं है, वो फिर जागता है, है? वो फिर भागता नहीं जागता है। और जगना है तो आपको भगवान की श्रीमद् भागवत कथा को सुनना ही पड़ेगा। बोलो सीताराम। छठवीं बात सुनिए, एक होता राग, लेकिन भगवान राग से नहीं मिलते, फिर भगवान अनुराग से मिलते। अच्छा लेकिन
हमारे अंदर अनुराग नहीं है तो क्या करें पंडित जी? कोई बात नहीं, अनुराग नहीं है, परेशान मत हो, नाराज मत हो, एक काम करो, सुबह शाम नहीं तो जिंदगी में एक बार 7 दिन की कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर, भागवत कल्प वृक्ष है, भागवत की शरण में बैठकर भगवान की कथा सुन लो, राग हट जाएगा संसार का, अनुराग जग जाएगा परमात्मा का। क्यों? एक घड़ी आधी घड़ी, आधी मैं पुनियाद, और तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध, जो करते रहोगे। भैया एक काम करना, पूछो क्या? जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे, गाइए दोनों हाथ भाग, भजन धीरे कथा सुनकर व्रत कर लेता कि अब तो हम 9 दिन नवरात्रि में कुछ नहीं खाएंगे, फिर का कभी एकादशी करता नहीं, वो सीधा नवरात्रि ठोक देता है। 1-2 दिन तो बढ़िया रहता, 3रा दिन पता लगा अस्पताल में ग्लूकोज का बोतल ले रहे हैं। इसलिए साधक क्या कहता, भैया इकट्ठा नहीं, ना 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 ना, क्या भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा सजन धीरे। अच्छा एक बात बताओ, ठाकुर जी को कौन कौन पाना चाहता है, तो ताली कौन बजाएगा?
अगर परमात्मा से मिलने की तमन्ना तुम्हारे दिल में है ना, तो एक काम करो, पूछो क्या। एक उपाय करो, शुद्ध अंत करो, शुद्ध अंत जतन धीरे धीरे, जतन धीरे धीरे तो मिल जाए। दोनों हाथ भाग रहे, संभव भी प्रभु कृपा से संभव हो सकता है। कोई काम दुनिया ताली बजाओ ना, अच्छा महाराज अगर मुश्किल नहीं है वो पाना है तो क्या करें। सुनो, जो करते रहोगे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, यतन धीरे धीरे तो मिल जाए। Yeah.
हरि बोलो राम कृष्ण हरि भागवत महापुराण आहा भक्ति सिखाता है, भक्तों का ग्रंथ है, मुक्ति दिलाता है और परमात्मा से मिलाता है, है? परमात्मा से मिलाता, भक्ति सिखाता, भक्तों का ग्रंथ है, इसलिए इसका नाम श्रीमद् भागवत कहलाता है। जो भी भागवत की छत्र छाया में आता है वो हमारे ठाकुर जी को पा जाता है। किसको पा जाता है बोलिए 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 कौन कौन पाना चाहता? तो सात दिन का मौका निकालना है। आहाहा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चित आनंद से जो परिपूर्ण है उनका नाम सच्चिदानंद, और सच्चिदानंद परमात्मा ही सत्य है, और सत्य ही कृष्ण है, और कृष्ण ही सत्य है। अच्छा दूसरी बात, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है प्रभुता के हृदय। तो भगवान सत्य है, भगवान सत्य है, और सत्य ही कृष्ण है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान ही सत्य है और सत्य ही कृष्ण है, और कृष्ण ही सत्य है, और उन्हीं का यह पुराण श्रीमद् भागवत जो परम सत्य है। एक बार आहाहा सौनकादिक ऋषि विराजमान थे। सौनक जी प्रधान श्रोता बनकर बैठे हैं। श्री सूत जी महाराज व्यासपीठ पर सुशोभित हैं वक्ता के रूप में। एक बात बोले बुरा मत मानना, हम लोग वक्ता को पकड़ते हैं, वक्ता को। हमारा मानना है वक्ता को पकड़ने से व्यक्ति बिखर जाता है, लेकिन अगर वक्ता के वक्तव्य को पकड़े तो व्यक्ति निखर जाता है। वक्ता को पकड़ोगे तो घाटा होगा, लेकिन वक्ता के वक्तव्य को पकड़ोगे तो फायदा ही फायदा होगा। बोलो सीताराम। तो हम लोग पकड़ते क्या? वक्ता। पकड़ना क्या चाहिए? वक्ता के वक्तव्य। बोलो जय सियाराम। तो श्री सूत जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान, सोनक ऋषि जी प्रश्न करते हैं। देखो चिंताम निर्लोक सुखम श्रुद्रु स्वर्ग सम प्रदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। हे सूत जी महाराज कृपा करके भागवत की कथा हमें सुनाइए। भागवत है कहा? देखो भैया
भागवत की तुलना किसी से भी नहीं की जाती, साक्षात भगवान का कृष्ण रूप ही श्रीमद् भागवत है। एक बार देवता अमृत का कलश लेकर के आए, भगवान कलश लेकर, देवता किसके पास? सुखदेव जी के पास में। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, देवता बोले महाराज ये अमृत ले लो, भागवत हमें दे दो। तो सुखदेव जी बोले देखो भाई भागवत तो इनके कारण प्रारंभ हुई, यजमान से पूछो। बताओ यजमान जी आप अमृत चाहते हो, कथा अमृत चाहते हो या रसामृत, कौन सा अमृत पानना चाहते? तो सुखदेव जी की बात सुनकर परीक्षित जी बोले आहा महाराज फायदा किसमें है, फायदा बताओ। सुखदेव जी बोले सुनो राजन। सुखदेव जी बोले फायदा तो भगवान की कथा में है, अमृत पियोगे तो मरोगे नहीं पर डर नहीं जाएगा, डर बना ही रहेगा, और कथा अमृत पियोगे तो जीते जी परमात्मा को पाकर मुक्त हो जाओगे। तो सुखदेव जी बोले भाई डील कैंसल, अब हमें आपका अमृत नहीं चाहिए, हमें कथा प्रिय। देवता ब्रह्मा जी के पास गए, बोले बताओ हम लोगों को दुत्कार दिया, भगा दिया, कथा नहीं दी, हम लोग अमृत लेकर गए, अमृत को ठुकरा दिया, आखिर क्या है भागवत में? ब्रह्मा जी बोले 7 दिन में परीक्षित जी का हाल देखो क्या हो रहा, और जब 7वें दिन देखा आहा जीते जी ठाकुर जी को पा गए, सोई देवता घबरा गए, धन्य है भागवत भगवान। बोलो भागवत भगवान की। देवताओं ने दूसरा उपाय किया, क्या किया जाए? एक तराजू के पल्ले पर भागवत को रखा और दूसरे तराजू के पल्ले पर बाकी ग्रंथों को रखा, और जब तराजू को उठाया तो लघुनन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत तदा ऋषि गण सर्वे विस्मयं परमं ययुः। आहा भागवत भगवान के सामने बाकी ग्रंथ फीके पड़ गए और भागवत भगवान का पल्ला भारी हो गया। बोलो भागवत भगवान की। एक दाही विशालायाम चत्वार ऋषयो मलहा सत्संगार्थम समायाता दद्रुस्तत्र नारदम। एक बार नारद जी सत्संग की इच्छा से पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे, पर कहीं पर भी सत्संग नहीं मिला। बद्रीनाथ पहुंचे, वहां पर नारद जी के 2-4 बड़े और भाई हैं, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार। भाइयों को देखकर नारद जी ने प्रणाम किया, चारों भाई बोले जय हो, खुशी रहो, नारद जी कैसे हो? नारद जी मुंह लटका कर खड़े हो गए, तो चारों भाई बोले कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितं गम्यति कुत्र कुत्सागमनम तव। नारद जी तुम्हारा मुंह क्यों लटका है, क्या बात है जो मुंह लटका करके खड़े हो? अरे साधुओं का मुंह नहीं लटकना चाहिए। आहा साधुओं के तो चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए, क्यों? साधुओं के पास अपना होता क्या है? जो टेंशन हो भाई, टेंशन उनको है जिनके इनकम हो और दिन कम। टेंशन उनको होनी चाहिए जिनकी इनकम हो और दिन कम हो। संतों के ना इनकम होती है ना दिन कम होते हैं, चिंता फिर किस बात की करनी चाहिए। अच्छा एक बात बताएं, भगवान के भक्त टेंशन लेते नहीं देते हैं, किसको? भगवान के विरोधियों को। हनुमान जी ने टेंशन ली के दी, बताओ हनुमान जी ने टेंशन किसको दी? रावण को। अच्छा अच्छा हम एक बात बता, रावण सबसे ज्यादा परेशान हनुमान जी से रहा पूरी राम कथा में, पूरी टेंशन सबसे ज्यादा रावण की अगर कहीं रही तो हनुमान जी की। बोले क्यों? बोले ना ये बंदर जानकी माता का पता लगाता ना हमारा खाता मिट पाता।
सबसे ज्यादा टेंशन, और पूरी रामायण में राम और किसी से टेंशन में रहा, हनुमान जी से क्यों? बोले पता भी इसने लगाया, बोले पता लगाया सो तो ठीक है, लेकिन आग लगाई, आगी भी तो रावण के सामने अग्नि देवता सेवा कर रहे, पवन देवता सेवा कर रहे, जल देवता सेवा कर रहे, लेकिन एक बजरंग बली है जो अपनी पूंछ से सेवा कर रहे। बोलो जय सियाराम, जोर से बोलो। इसका मतलब भगवान का भक्त टेंशन लेता नहीं, धर्म विरोधियों को देता है। लोग हमसे कहते हैं कि आपके पीछे इतने लोग क्यों पड़े रहते हैं? हमने कहा हमारे पीछे तो पड़े ही रहेंगे क्योंकि हम उनके खाते खाली कर रहे हैं। जो कई सालों से धर्मांतरण कर रहे उनकी बन रही ठटरी और गठरी, अब उनको टेंशन ना हो तो क्या हो। बोलो जय सियाराम, जोर से बोलो। लेकिन नारद जी आपका मुंह क्यों लटका? क्या बात है? कथम ब्रह्मन दीन मुखा, क्या बात है? नारद जी बोले भैया हम आए थे सत्संग के लिए, तो सत्संग मिला? अरे बोले हलवा मिला। कहां मिला? मिला ही होता तो क्या कहना। बोलो जय सियाराम। एक बात बोले, कई बार हम जो चाहते हैं वो मिलता नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मिलता क्यों नहीं। दरअसल हम सोचे कछु और है, प्रभु सोचे कछु और, हम कुछ और चाहते हैं, परमात्मा कुछ और देना चाहता है। छोटे बच्चे से कहें ये तुम टॉफी का डब्बा है, अपने हाथ में टॉफी जितनी बने उठा लो। बच्चे का छोटा हाथ होता है, कितनी टॉफी उठाएगा? चार पांच। और कोई दानी हो हमारे तुम्हारे जैसा, हम अपनी मुट्ठी से उठा के दें अपने हाथ से, तो कितनी? 20-25 आ जाएंगे। और हमसे किसी का बड़ा हाथ हो, ग्रेटर नोएडा वालों का, यहां वालों के तो सब बड़े, और हाथ बड़ा हो उसके में 40-50 आ जाएंगे। तो जिसका जितना बड़ा हाथ होगा वो उतना ही बड़ा तो दान देगा। तो हम अगर परमात्मा से मांगेंगे तो अपनी क्षमता से मांगेंगे, और अगर परमात्मा पर छोड़ देंगे तो परमात्मा अपनी क्षमता से देगा। भगवान अपनी क्षमता से देगा, जितनी उनकी क्षमता होगी। और हमसे कोई पूछे महाराज भगवान की क्षमता कितनी, तो सुदामा ने मांगा नहीं लेकिन दो लोकों का राजा बना दिया। श्री राम जय राम। तो भगवान आहा, नारद जी मुंह मत लटकाओ, क्योंकि हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, संतों का परम धन क्या है? भक्तों का और संतों का राधा नाम। क्यों? चोर ना चोरी कर सके, भाई ना बांटे दाम। चोर ना चोरी कर सके, भाई ना बांटे दाम। ओ पावन परम पुनीत है राधा जू को नाम। तो संतों का धन क्या है? संपत्ति। देखो संसार की संपत्ति देती है विपत्ति, लेकिन संतों की संपत्ति हर लेता है हर विपत्ति। क्या है? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन
बरसाने वाली राधा 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 बरसाने वाली राधा 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 मोहन की प्यारी राधा 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 मोहन की प्यारी राधा 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 श्री रास बिहारी कौन कौन मानता है कि हमारा धन राधा रानी है राधे दोनों हाथ उठा के बोलो जय जय श्री राधे बरसाने बारी की बस एक बार श्रद्धा से लगाकर एक मस्तक पर तू बस एक बार श्रद्धा से लगाकर एक मस्तक पर
तुझे 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 तुझे। अब उठाओ दोनों हाथ। राधा 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 चिंता क्यों करते तुम संतों का तो परम धन क्या है हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 बरसाने वाली राधा 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 मोहन की प्यारी राधा 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 हम सब की प्यारी राधा राधा श्री रास दुलारी राधा राधा ब्रज दज की प्यारी राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा गाओ 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 हमारो धन राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा
कोई निर्धन नहीं है, सब धनवान, क्योंकि तुम्हारे साथ है अब हनुमान। आज के बाद कोई निर्धन नहीं है, सब है धनवान, क्योंकि आज से अब तुम्हारे साथ हैं, अब तुम हो गए बलवान, अब दुश्मन लगाते रहेंगे तुम्हारे पीछे अनुमान, क्योंकि तुम्हारे साथ हैं बागेश्वर, बागेश्वर हनुमान। हमारो धन राधा श्री, राधा श्री राधा। बैठ जाओ, पांचक मिनट और बैठ जाओ, फिर अपने अपने घरे जाओ, रोटी खाओ और सो जाओ, लेकिन थोड़ी देर और बैठ जाओ, हमारी कथा सुन जाओ। कल कौन कौन नहीं आएगा, हाथ उठाओ। अच्छा उल्टा हो गया, आएगा कौन कौन, आना ही पड़ेगा। कितने बजे हैं? घड़ी के बजे 4, तब कथा के लिए निकालिए अपने घर से कार। घड़ी के बजे 4, तब कथा के लिए निकालिए अपने घर से कार, और कथा सुनोगे तभी होगा बेड़ा पार। हैं? श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा। हमारो धन नारद जी कहां घूम रहे, मुंह लटकाए। महाराज सत्संग करने आए थे, सत्संग तो मिला नहीं। सुनिए, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सर, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सर, ग्रंथ बड़े भाग से मनुष्य तन मिलता। दूसरी बात सुनिए, सत्संग भी बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना राम जी की कृपा के सत्संग मिलने वाला नहीं है। कई लोग घर से चलते हैं कि चलो बागेश्वर महाराज जी की कथा सुनेंगे, लेकिन रास्ते में ही विशेष मित्र का फोन आ जाता है, सोई चक्कर में पड़ जाते हैं। सबको भगवान की कथा मिलती। देखो एक बात बोले, मगर ने पैर सबका पकड़ रखा। किसने? मगर ने। हनुमान जी का पैर भी मगरिया ने पकड़ा था, आदि जगतगुरु शंकराचार्य का पैर भी मगर ने पकड़ा, और हाथी का पैर भी मगर ने पकड़ा, और हमारा तुम्हारा पैर भी मगर ने पकड़ा। पूछिए कैसे। हम लोग घर से चलते हैं, चलो कथा सुनेंगे, लेकिन रास्ते में जैसे ही निकले किसी ने पूछा, क्यों भाई कथा हुआ है, कथा सुन ली? अरे बोले जाना तो था मगर, जाना तो था मगर। किसी ने कहा, क्यों भाई बागेश्वर महाराज आए थे तुम्हारे ग्रेटर नोएडा में कथा सुनाने, तुमने सुनी? अरे बोले अब हम अपनी क्या बताएं, हम तो कथा में पहुंच भी गए थे, गाड़ी लगा भी दी थी, मगर। तो मगर ने पैर सबका पकड़ रखा, लेकिन जो मगर को मार कर आता है वही भगवान की कथा को और भगवान को पाता है। बोलो जय सियाराम। मगर को मारिए। नारद जी तुम्हें सत्संग क्यों नहीं मिला? पाखंड निरता संतो विरक्ता सा परिग्रहा, तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदाय कहा। भागवत पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। हम सर्वत्र गए। नारद जी कहते हमें सत्संग नहीं मिला। क्यों महाराज? संतों के पास गए तो वो भी बेकार, गृहस्थियों के पास गए वहां भी नहीं मिला, तो तुम वृंदावन गए? जी महाराज।
हमने सोचा भक्ति महारानी और भगवान वहीं रहते हैं वृंदावन में, तो चलो वहीं पर भगवान की कथा मिलेगी, सत्संग मिलेगा। आहा, वृंदावन गए लेकिन वहां पर भी बड़ा आश्चर्य देखा। क्या? तत्राश्चर्यम् मया दृष्टम् श्रूयताम् तन्मुनि सुरः एका तु तरुणी तत्र निसन्ना खिन्न मानसः। एक पेड़ के नीचे एक स्त्री बैठी रो रही, लेकिन वो स्त्री है जवान। नारद जी कह रहे महाराज उस स्त्री की जंघों पर दो वृद्ध बूढ़े लेटे हुए, स्त्री रो रही, कोई पानी पिला रहा, कोई हवा कर रहा, कोई आंसू पोंछ रहा, फिर भी वो स्त्री रोए पर रोए ही जा रही है। नारद जी कहते हमने सोचा चलो जाएं, पूछें क्या बात है, क्यों रो रही हो, कौन हो तुम। नारद जी बोले महाराज हम आधे दूर तक गए तब तक ध्यान आया यहां केवल स्त्रियां ही स्त्रियां हैं, कहीं हम चले गए और स्त्रियों ने कहे हे बाबा कि स्त्रियों के समूह में तुम्हारा क्या काम, हमें क्या लेना देना, जाओ अपने घर को, बेइज्जती हो जाएगी। नारद जी बोले महाराज हम आधे रास्ते तक गए और जैसे ही लौटने लगे तो वो स्त्री चिल्लाई, क्या बोली, भो भो साधु क्षणम तिष्ठम मच्चिंता विनाशया दर्शनम तौ लोकस्य सर्वथागहरम परम। अरे महाराज रुकिए, ओ बाबा जी रुकिए, साधुओं के तो दर्शन करने से ही दुख भाग जाता है। कितनी अच्छी बात, कोई संतों का दर्शन करे दुख भाग जाए, सच्चे संतों का। अच्छा संत का अर्थ क्या है पंडित जी, संत का अर्थ क्या है, कोई हमसे पूछे संत का अर्थ, तो हमारे पूज्यपाद जगतगुरु भगवान कहते हैं तुलसी पीठाधीश्वर धर्म चक्रवर्ती पद्म विभूषण पूज्य श्री रामानंदाचार्य गुरुदेव भगवान कहते हैं जिसके पास जाते ही समस्याओं का हो जाए अंत उसी का नाम है संत है? जिसके पास जाते ही समस्याओं का हो जाए अंत उसी का नाम है संत, फिर मिलते हैं हनुमंत और फिर मिल जाते हैं भगवंत। संत करता समस्याओं का अंत, और संत जोड़ते हनुमंत से, और हनुमान जी किन से जुड़े, ए हा ए हा राम द्वारे तुम रखवारे हो बिन आज्ञा बिन पैसारे, ए हा राम द्वारे तुम रखवारे हो बिन आज्ञा बिन पैसारे, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम के पास जाने से समस्याओं का अंत हो जाता, फिर मिल जाते हनुमंत और फिर मिल जाते भगवंत, इन्हीं का नाम है संत। साधु यह मुर्दऊ का गांव, साधु यह मुर्दऊ का गांव, सूरज उमरी है चांद उमरी है सहस सतासी, सूरज मरी है चांद उमरी है जना है
साधु यह मुर्दों का गांव। इस सारा संसार मुर्दों का है, मतलब आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। और रामायण भी कह रही, जो जन्मे सो निश्चय नासा, जो नासे सो पुनः प्रकाशा। जो जन्मे सो निश्चय नासा, जो नासे सो पुनः, जो जन्म लेगा वो मरेगा। अच्छा, जो मरेगा वो फिर जन्म लेगा। एक सज्जन हमसे कह रहे थे, आप सनातन 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 चिल्लाते रहते हो, क्या सनातन, तुम कह रहे कि सनातन मिट नहीं पाएगा, कोई मिटा नहीं पाएगा, क्या संभव है? हमने कहा, माय डियर ठठरी के बरे, हमने कहा माय डियर ठठरी के बरे नक्कटा, तुम कहते सनातन क्या है? देखो, जिसकी जन्म तिथि होती है उसकी मरण तिथि भी तय होती है, बाकी जितने मजहब हैं उनकी जन्म तिथि तय है कि ये इतने तारीख को भय थे। तो जो जन्मेगा वो मरेगा, हमारी सनातन की ना कोई तिथि है तो ना वो ये आया है तो ना ये जाएगा है? लेकिन हमारे साधक क्या कहते, साधु यह मुर्दों का नाम, सूरज मरी है चांद मरी है, मरी है सहस सतासी, सूरज मरी है चांद मरी है, एक दिन मर है सहस सतासी हजार ऋषि भी मरेंगे, सूरज भी एक दिन जाएगा, चांद भी जाएगा, राम नाम ही अमर रहेगा। अमर क्या? अरे प्रभु नाम ही अमर रहेगा, यही मिले तुम्हें ठाव, साधु यह मुर्दों का नाम, साधु यह मुर्दों। अरे नौ भी मर गए दस भी मर गए सहस अठासी, तैतीस कोटि चौधरी मरी गए, मरी काली की फांसी, चांद मरी है सूरज मरी है धरन अकाशा, चौदह भुवन जला में होई एन की झूठी आशा, साधु यह मुर्दों का गांव। सब मरेंगे, रहेगा क्या? राम नाम ही सांचा जग में, और न कोई सांचा है जिसने राम भजन किया है, उसी को प्रभु ने जांचा है। बाबा संतों के दर्शन से दुख भाग जाते? बोले बिल्कुल भाग जाते। अच्छा महाराज, क्या हमारे भागेंगे आपके भागेंगे? पर देवी तुम रो क्यों रही, कौन हो तुम? बददेवी सावस्तारस स्वस्य दुखस्य कारण। उस देवी ने परिचय दिया, अहम भक्ति ऋतौ ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ, ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। नारद जी से वह देवी जो स्त्री रो रही थी हाथ जोड़ के बोली, महाराज मेरा नाम भक्ति है, ये जो दो बेटे हैं मेरे बेटे हैं, एक का नाम ज्ञान है एक का नाम वैराग्य है, तुम रो क्यों रही? हम तो जवान हैं, हमारे बालक बूढ़े हैं इसलिए रो रहे हैं। अच्छा रो मत, हम तुम्हारे बच्चों को भी जवान कर दें, मूर्छा खुलवा दें। नारद जी के पास जितनी चूरन चटनी थी लगा दी पर मूर्छा नहीं खुली। नारद जी बोले, भैया हम उसकी तलाश में बाहर निकले। आकाशवाणी हुई, नारद जी ज्ञान और वैराग्य को सत्संग कराइए,
तो दोनों जाग जाएंगे। अब सत्संग क्या होता है, उसी खोज में हम आए हैं। तो सनत कुमार बोले, भैया वो सत्संग कुछ और नहीं, श्रीमद् भागवत महापुराण ही वो सत्संग है जिसके सुनने से ज्ञान और वैराग्य जाग जाते हैं। बोलो सीताराम। फिर क्या, नारद जी कथा सुनने के लिए तैयार होते, सनत कुमार सुनाते हैं। कौन सी कथा कैसी सुनाते, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज क्योंकि घड़ी के बज गए 9, बहुत देरी हो गई है। काल कितने बजे, कल कितने बजे आना है, फिर से बोलो। हाँ कल समय पर, कौन कौन नहीं आएगा समय पर, हाथ उठाओ। अच्छा अच्छा आएगा कौन कौन समय पर, घड़ी के बजे 9 आप लोग आ जाना आज। अच्छा हमारी कथा समझ में आती है तुम्हें, थोड़ा थोड़ा आती हो, अच्छा पूरी आ जाती। हाँ कौन तुम विदेशी हो तो भारत के ही हो, और ऊपर से ग्रेटर नोएडा का आदमी बहुत खतरनाक होता है। बोलो जय सियाराम। तो कल हम लोग फिर चर्चा करेंगे, आज 2 मिनट नाम कीर्तन करके आरती। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम हनुमान जी की, गौ माता की। आज की कथा में हमारे बड़े ही प्रिय, आप नेता अभिनेता बाद में हैं, बागेश्वर धाम के अनुयायी और भोजपुरी के बहुत ही अच्छे गायक, भगवती माँ शीतला माता की खूब करुण कृपा है। हम चाहेंगे कि एक गीत हो जाए भोजपुरी में। कौन कौन सुनना चाहता है तो बताओ। हाँ हमारे बड़े ही प्रिय श्री मनोज तिवारी जी कथा में आए हैं, हम चाहेंगे एक बढ़िया गीत आप सुना दो, फिर आरती हो जाए और जय सियाराम। एक बार प्रेम से बोली बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, नोएडा के सभी हमारे गुरु भाई बहनों की। मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि आज सावन का पहला सोमवार है, सावन का पहला सोमवार और सावन के पहले सोमवार पर लगा है ग्रेटर नोएडा में बागेश्वर धाम का दरबार। कितनी किस्मत है हम सबकी। मैंने एक भाव सोचा है, झूमेंगे भागवत कथा में, भोले बाबा को याद करेंगे। जब कन्हैया का जन्म हुआ था तब भोला दर्शन को आए थे, ऐसे ही सावन की घटा
वो गोकुल में बरसाए थे। हरे बम बम गूंज रहा सावन में, बम बम गूंज रहा सावन में, बोले शिव अविनाशी बम, बोले नोएडा के वासी 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 बम, बोले नोएडा के वासी। अरे बम बम गूंज रहे बम, बोले नोएडा के वासी ये मेरे नोएडा के वासी, एक रेटर नोएडा के वासी। अरे बागेश्वर के गुरु जी आए, बागेश्वर के गुरु जी आए, बागेश्वर के गुरु जी आए। अरे हनुमान सुखिरासी सब कोई बोलेगा बम बम बोल रही है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बोले नोएडा के वासी, 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 बम बोले दोनों हाथ उठाइएगा, सबकी ताली बजेगी। हम ग्रेटर नोएडा को नोएडा, ग्रेटर नोएडा सब कह रहे हैं। बम बोले नोएडा के वासी, बम बोले नोएडा के वासी, एक ग्रेटर नोएडा के वासी, एक ग्रेटर। गुरुजी आपके गुरु जी आपके आगमन से हम जब रास्ते में आ रहे थे गुरु जी, हम थोड़ा सा देर हो गया था मुझे, और मुझे गेट ही नहीं मिल रहा था घुसने वाला, और एक जगह घुसे तो इतने लोग मिल गए कि उसी में फंस गए। लेकिन जो भी खड़ा था वो यही कह रहा था, ग्रेटर नोएडा बनाया जो है, ग्रेटर नोएडा बनाया जो है, क्या बना है ग्रेटर नोएडा आज बना है, बागेश्वर सुखिरासी। कितना अच्छा लग रहा है, इससे बढ़िया सोमवार तो बाबा बैद्यनाथ धाम में भी नहीं हो रहा होगा यार। इतना बड़ा अच्छा सोमवार तो काशी विश्वनाथ जी में भी नहीं हो रहा होगा। बम बम बोल रही है काशी, बम बम बोल रही है काशी, बम बम बोल रही है
अपना आसन ले लो। ग्रेटर नोएडा वासी बम बम बोल रही है काफी बम बम बोल रही है हर बम बम गूंजे गली गली में बम बम गूंजे गली गली में बोले सब सुख राशी पार्वती पतय हार हार बम बोले नोएडा के वासी बम बोले नोएडा के वासी बम बोले नोएडा के वासी बम बोले नोएडा बम बोल रही है काशी बम बोल रही है बम बोल रही है बम बोल सत्रह तारीख तक बरसेगी गुरु जी 17 तारीख रहेगी। अरे शैलेंद्र भाई 17 तारीख तक ना मनोज जी 17 16 तक हमने तो दिल्ली में बता दिया 17 तक कोई बात नहीं 16 तक आप लोग चला दीजिए 17 को तो हम जबरदस्ती कहीं ना कहीं रोक लेंगे सरकार। अरे ग्रेटर नोएडा में बैठे हैं ग्रेटर नोएडा में बैठे हैं अरे बागेश्वर के वासी बम बोले नोएडा के वासी बम बोले नोएडा के वासी बम बोले ओम नमः शिवाय बाजा के बोलेंगे ऐसा बोलिए। देखिए मैं तो मेरा नाम जब गुरु जी के मुंह से आता है तो मुझे लगता है सारी सांसदी एक तरफ जीवन भर का गाना बजाना एक तरफ बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के मुख से नाम आना एक तरफ। एक बार दोनों हाथ उठा के गाइए ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम गूंजे गली गली में बम बम गूंजे गली गली में बोले सब सुख राशी बम बोले नोएडा के वासी बम बोले नोएडा के वासी बम बोले नोएडा के वासी ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव बाके बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की सन्यासी बाबा की बागेश्वर धाम की।
हनुमान जी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री मनोज तिवारी जी का। मैं तो और हमारे बीच आदरणीय श्री मनोज तिवारी जी के साथ साथ बंबई से ही आए पूज्य भगवान के अति प्रिय शिष्य जो बॉलीवुड के जाने माने प्रसिद्ध एक्टर हैं, कलाकार हैं, आदरणीय श्री गोविंद नामदेव जी, उनसे आग्रह करेंगे कि वो आए और व्यासपीठ की महिमा के बारे में दो शब्द कहें। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बागेश्वर धाम के हनुमान बाबा की, बागेश्वर धाम के सन्यासी बाबा की, बागेश्वर धाम सरकार की। मेरे गुरुदेव परम आदरणीय शास्त्री जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उनके समक्ष कुछ भी बोलना है मतलब ऐसी धृष्टता है, लेकिन मुझे कहा गया है इसलिए मैं दो शब्द बोल रहा हूं। आपको प्रणाम करके मैं आगे अपने शब्द कंटिन्यू करता हूं। जब से गुरुदेव का गुरुत्व मुझे मिला है, जब से गुरुजी का आशीर्वाद मुझे मिला है, जब से गुरुजी का स्नेह प्यार मुझे मिला है, मेरी जिंदगी का हर कोना रोशन हो गया है। मेरी जिंदगी का हर कोना उजाले से भर गया है। मेरी जिंदगी का हर कोना उजास से भर गया है। अब बागेश्वर धाम सरकार की। अब दुख तकलीफ परेशानी का एहसास ही खत्म हो गया है। एक ऐसे आनंद में, ऐसे विचित्र दैविक आनंद में घूमता फिरता हूं कि जिसको बयान करना बड़ा मुश्किल है, बयान करना संभव नहीं है। इसके लिए मैं अपने गुरुदेव के श्री चरण में प्रणाम करके उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, अपना आभार व्यक्त करता हूं। बोलो बागेश्वर धाम सरकार की जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री गोविंद नामदेव जी का। और अब हम आप सभी आज की पावन आरती में चलेंगे। हम आमंत्रित करते हैं स्वामी नवीन जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए आपसे आग्रह है पावन आरती में पधारे। ये इस कथा के संरक्षक भी हैं और पूरी व्यवस्थाएं पिछले दो महीने से यहाँ व्यवस्थाएं भी देख रहे हैं, तो स्वामी जी से हम आग्रह करेंगे कि पावन आरती में आप पधारें। इसके साथ ही मुख्य यजमान, मुख्य आयोजक श्री शैलेन शर्मा जी, श्री मुकुल त्यागी जी एवं उनकी समस्त टीम, पवन जी, अभय जी एवं मुख्य यजमान परिवार में से ही श्री बाकेलाल शर्मा जी, माँ उषा शर्मा जी, आप सभी से आग्रह के पावन आरती पधारें। और आदरणीय श्री मनोज तिवारी जी, आदरणीय श्री मनोज त्यागी जी और आदरणीय श्री गोविंद नामदेव जी, आप सभी से आग्रह है कि पावन आरती में पधारें। और कल कथा का क्रम, कथा का जो समय है शाम 4 बजे से ही है। परसों यानी कि 12 तारीख को सुबह 11 बजे से दिव्य दरबार होगा। दिव्य दरबार में मानव जीवन की दैहिक दैविक भौतिक कष्टों के निवारण के लिए आपकी समस्याओं का समाधान होगा। बागेश्वर बालाजी सरकार का दिव्य दरबार होगा और दरबार के बाद कथा का क्रम शाम 4 बजे से ही होगा। तो दिव्य दरबार में परसों 12 तारीख को आप सभी पधारें। और आइए चलते हैं पावन आरती को।
कुछ लोग नीचे दूसरे मंच पे भी आ जाएंगे। जय श्री राम। ओम ज्वालामाल्लन्नै नमः रत्नेश्वरे नमः सर्वोपचारार्थे गंधक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। हरिः ओम चंद्रमा मनसो जातकजोः सूर्यो अजायत स्रोतद्वायसो प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री बाके विहारी तेरी आरती गावो। श्री बाके विहारी तेरी आरती गावो। आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। शीतले तुम जगत पिता शीतले तुम जगदात्री शीतलाय नमो नमः। देवाधि वंदनम आत्माधि वंदनम हस्त प्रक्षालनं मंत्र पुष्पांजलिं। हरि ओम जजेन जगमय जन्ते देवस्तानि धर्माणि
प्रथमान्या सन्नो ते नाकं महिमाना सचंत्र जत्र पूर्वे सद्या शन्ति देवा हरि ओम एक जमदाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो श्री दंती प्रचोदयात हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्री रुद्रा प्रचोदयात हरि ओम नंद नंदनाय विद्महे जसोदा नंदनाय धीमहि तन्नो श्री कृष्णा प्रचोदयात हरि ओम अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्री हनुमत प्रचोदयात नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलर्मया दत्तो ग्रहणा परमेश्वरः श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः मंत्र पुष्पा अंजलम समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की, पूजपाद गुरुदेव भगवान की, समस्त भक्तों की। सभी भक्तों से निवेदन है ऊपर वाले मंच पे ना जाएं, नीचे से ही प्रणाम करके सभी लोग निकल जाएं। सभी से निवेदन है, सभी से भक्तों से निवेदन है नीचे से ही प्रणाम करके आप लोग सभी अपने स्थान को प्रस्थान करें। सभी भक्तों से निवेदन है। सीताराम आप सभी को यहीं से ही प्रणाम करना है। मंच पे जो भी हमारे अतिथि हैं सभी से ही आग्रह है कि आपको व्यासपीठ के पास नहीं जाना है, आप सभी को वहीं से ही प्रणाम करके आप पावन मंच से प्रस्थान करेंगे। गुरुदेव का आशीर्वाद आप सभी के पास पहुंच रहा है और वहीं से प्रणाम करना है और व्यासपीठ के पास नहीं आना है, वहीं से प्रणाम करके आप सभी पावन मंच से प्रस्थान करेंगे। सभी लोग पीछे आ जाएं और वहीं से प्रणाम करके ही आपको वापस जाना है। और एक बार जो आरती कर चुके हैं वो दोबारा आरती मंच पर आकर नहीं करेंगे, इसका भी सभी ध्यान देंगे क्योंकि आपके अतिथि जो भी आएंगे उनको भी आरती का मौका मिले। सभी से हमारा विनम्राग्रह है वहीं से प्रणाम करके पावन मंच से प्रस्थान करेंगे। सभी से विनम्राग्रह है कि शीघ्र ही आप मंच से प्रस्थान करना पड़ेगा, मंच खाली करना पड़ेगा। प्लीज मंच खाली कर दें, मंच को खाली करवा दें। सेवादार थोड़ा आ जाए, सेवादार आकर थोड़ा मंच खाली करवा दें। सभी से आग्रह है, हमारा यजमान परिवार से भी आग्रह है कि आप मंच खाली कर दें। सभी से निवेदन है कि आप सभी वहीं से प्रणाम करके ही मंच खाली कर दें। सीताराम बोले बागेश्वर धाम सरकार की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की जय। आप जो भी सामग्री लाए हैं आप सेवादार को अपने सामग्री दे दें। गुरुदेव भगवान के लिए जो भी आप उपहार लेकर आए हैं पूज्य श्री के पास आपकी सामग्री पहुंच जाएगा। आपका जो भी आप सामग्री लेकर आए हैं और गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे। 7 दिन तक हम आप सभी कथा श्रवण करेंगे और 7 दिन तक हम आप सभी पूज्य गुरुदेव भगवान के मधुर वाणी में झूमेंगे नाचेंगे और बांके बिहारी लाल सरकार के इस पावन भागवत महापुराण का आनंद लेंगे और 7 दिन तक ज्ञान की गंगा प्रवाह इस पावन धरा में होगी।
मेरी सखी मंगल गौरी निवेदन है आप सभी से, पूज्य गुरुदेव भगवान के पीछे पीछे कोई नहीं जाएगा। आप सभी से आग्रह निवेदन है, कोई भी पूज्य गुरुदेव भगवान को स्पर्श न करें, दूर से ही आप सभी दूर से हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लें। कोई भी गुरुदेव भगवान को स्पर्श नहीं करेगा यानी छुएगा नहीं,